आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है, स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम लोग टेस्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट 33 करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का, ठीक है। और इस मॉक का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे, सोचने वाले क्वेश्चन थे लेकिन डुएबल थे, ठीक है। और आप सबसे पहले ये बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कैसा रहा, साथ में आप कितना नंबर इंप्रूव कर सकते थे। और सिर्फ बताने से नहीं होगा, उसको आप इंप्रूव करो डेली बेसिस पे। अगर आप डेली बेसिस में भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे तो आपका आराम से 20 नंबर तक इंप्रूव हो सकता है अभी भी, ठीक है। और आपके एग्जाम काफ़ी पास आ चुके हैं तो मुझे उम्मीद आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होगे भर भर के, ठीक है। टेस्ट बुक पे भी आपके भर भर के मॉक्स अवेलेबल हैं। तो आपको टेस्ट बुक का पास प्रो अगर आपको लेना हो तो आप SHE के 12 कोड का यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जब भी लेना है पास प्रो ही लेना, जिससे आप प्रीवियस से पेपर वगैरह सब कुछ एक्सेस कर पाओ, ठीक है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन गीताज ओपिनियन उसका जो वेट है वह 55 से ज़्यादा है और 62 से कम है, ठीक है। और गीता की मदर के अकॉर्डिंग जो उसका वेट है वह 50 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है। अब उसके भाई के अकॉर्डिंग क्या है कि उसका जो वेट है वो 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 58 हो सकता है या तो उससे कम है। अगर तीनों ही सही हैं तो हमें इनकी सारी पॉसिबल वेट्स का हमें एवरेज बताना है। तो आपको सबसे पहले तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही लेके चलना है, सिर्फ इंटीजर ही लेके चलना है। तो आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसका वेट 55 से तो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 56 हो सकता है, ठीक है। और आगे भी देख लेंगे। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू 58, मतलब 58 से कम, 58 या 58 से कम हो सकता है, मतलब 58 हो सकता है। यहाँ पे एक वैल्यू और आ रही है 57, तो 56, 57, 58 में से अगर कोई भी वेट हो जाए तो ये सारे लोग एकदम करेक्ट हो जाएंगे, कोई भी गलत साबित नहीं हो रहा। और इतने ही तीन पॉसिबल वैल्यूज आपको इसी का एवरेज लेना है। तो आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म है तो आपका 57 इसका एवरेज हो जाएगा, तो इसका जो एवरेज वेट हो जाएगा वो आपका 57 kg हो जाएगा। इस तरह से करते हैं इसको। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखो, आपको दिख रहा है ये 9 की पावर रूट एक्स है इक्वल्स टू 41 की पावर रूट एक्स है माइनस 40 की पावर रूट एक्स है। और आपको पता है कि ये 9, 40 और 41 आपके क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बनाने के लिए एक्स की वैल्यू अगर 4 हो जाए, एक्स की वैल्यू 4 हो जाए तो आपका ये स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। आपसे एक्स स्क्वायर पूछ रहा है तो आपका 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अरुण मेड एन एरर ऑफ 7% इन एक्सेस, मतलब 7% ज़्यादा एंड 5% इन डिफिसिट वाइल मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब 5% कम। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा देंगे, सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतना होता है नेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेट चेंज देखेंगे तो आपका एक्स यह है प्लस 7 है और वाई आपका माइनस 5 है, और फिर आपका 7 माइनस 5 है ना अपॉन 100, तो आपका ये क्या आ जा रहा है, आपका ये 2-0.35 आ जा रहा है। तो आपको दिख रहा है ये 1.65 का चेंज आ रहा है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, 7% एक्सेस हो रहा है और 5% डिफिसिट हो रहा है, तो प्लस 7 माइनस 5 हो रहा है, यहाँ भी साइन के साथ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन है वही आपका इनमें से भी किसी का, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करो, ये आपका 4x हो जाएगा और ये 4x माइनस 4x बाई 3 आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 4 8x बाई 3 इक्वल्स टू 5 को उधर भेज दो, आपका 10 आ गया। तो x की जो वैल्यू आ रही है वह आपकी आ रही है 15/4। अब आप इस 15/4 को डालोगे हर जगह जहाँ पे सेटिस्फाई कर देगा वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डालो तो आपका नहीं बन रहा बात, यहाँ पे डालो तो 15/4, 4 से 4 चला जाएगा और 15-29 आपका -14 हो जाता है, तो आपका यही वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ना, 4 की वैल्यू 15/4 डाल दो, 4x की वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू आपका -14 आ भी रहा है, ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं है, कैसे करोगे आप, मान लो एक्स वाई की कोई वैल्यू मान लो और आप सेम वैल्यू मानोगे ना, तो दिक्कत क्या आएगी, आपका ये भी जीरो बन जाएगा। अगर आप एक्स वाई की वैल्यू सपोज मान लिए 30 या 60 मान लिया, कुछ भी मान लिए, सेम मान लिए, तो ये भी जीरो आ जाएगा और आपका ये भी जीरो आ जाएगा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे बेटर क्या है, एक्स की वैल्यू 60 मान लो और वाई की वैल्यू 30 मान लो, अब आप सॉल्व करो आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता। तो ये अगर 60 है, ये 30 है, ये आपका 60 है, ये 30 है, तो आपको दिख रहा है ये तो 1 हो गया और ये आपका हाफ हो गया, मतलब आपका हाफ आंसर आना चाहिए।
अब यहाँ पे देखो, अगर 60 डालोगे तो आपका आ जाएगा 1/4 और -3/4, ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे डालोगे 60 तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 30 डाला था मैंने, हाँ यहाँ पे 30 डालना है तो आपका देखो 1/4 जीरो हो जा रहा है। और आपका यहाँ पे डालो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, हमने 60 डाला था तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 3/4, और यहाँ पे भी आपका 3/4 आ जाएगा, तो आपका ये भी जीरो हो जा रहा है। आप इसको देखो, अगर डालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3/4 -1/4, तो आपका यहाँ से 2/4 मतलब हाफ आ जा रहा है, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, समझ गया ना। आ जाओ नेक्स्ट पे, वैल्यू पुटिंग से भी आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, एट अ कंस्ट्रक्शन साइट 200 वर्कर्स को काम पे लगाया गया और उनका जो काम करना था वो 250 दिन में हो जाना था इनका काम, मतलब 200 वर्कर्स अगर काम करते तो 250 दिन में हो जाता, लेकिन 30 दिन बाद। अच्छा एक बार बताओ, इन 200 वर्कर्स ने 30 दिन तक काम किया तो बचा कितना काम है, 200 का 30 दिन तक काम किया, उनको 250 दिन तक काम करना था, मतलब 220 दिन का काम बचा है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो आपको क्या लिखा है कि 200 वर्कर्स को 250 दिन तक काम करना था, लेकिन 30 दिन बाद 20 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो 30 दिन बाद काम कितना बचा है, 200 लोगों ने 30 दिन का तो काम किया होगा, और अब 250 दिन तक काम करना था ना, तो इसमें 30 दिन का काम कर लिया, मतलब 200 लोगों ने 220 दिन का काम अभी बचा है, जिसको अब बचे हुए लोग करेंगे। अब बचे कितने, 20 लोगों ने छोड़ दिया, मतलब अब आपके 180 लोग बचे हैं, तो ये मान लेता हूँ मैं एक्स दिन में काम को करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज, मतलब एक्स की ही वैल्यू बतानी है मुझे, तो बस सॉल्व कर लो। तो 1-0 से आपका 1-0 चला गया, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो 9 से काट दो आपका, 9 से कितना बार चला जाएगा, 9 2 18, फिर 40 हो गया, 9 4 36, और फिर आपका 40 40 ही हो गया, तो आपका ये वाला 2 245 डेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पूछना चाहते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ डायगनल्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन 5 साइड, मैंने बताया था कल ही कि 5 5 -3 / 2, तो आपका 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब, क्यूब की नंबर ऑफ एज कितनी होती है भाई, 4 4 8 4 12, तो आपका 12, तो 5 रेशियो 12 आ जाएगा। आपको इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा था, क्या पूछा था, नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ पेंटागन एंड नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। आ जाओ नेक्स्ट पे, आसान था ये भी। इफ वी ज्वाइन एवरी पेयर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, देखो आसान है ये भी, देखो अच्छा अच्छा पेपर था ना काफी, मतलब दिमाग लगाने वाला था। सारे मिड पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है, सारे मिड पॉइंट्स को, चलो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, 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 सारे मिड पॉइंट्स आपको जोड़ देने हैं। अब आप कोई भी दो मिड पॉइंट्स को नहीं जोड़ सकते, आपने हर पॉसिबल वे से जोड़ दिया। आपसे पूछ रहे हैं कितने कितने रीजन्स में बट गया, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका 8 आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, आसान सा है काफ़ी, आ जाओ नेक्स्ट पे। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 37.5, 37 पॉइंट लॉस मतलब समझते हो, ये आपका 12.5 का 3 टाइम्स है। ठीक है, मतलब ये आपका 3/8 है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, आपको पता है 3/8 मतलब 8 पे 3 का लॉस, मतलब मैंने बेचा उसको 5 पे और इस 5 की वैल्यू 800 है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको 8 की वैल्यू बतानी है, तो आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 8 × 160 आ जाएगा। फिर से समझो, 3/8 का लॉस हुआ, मतलब ये 8 का सामान था, उसको 3 के लॉस पे मतलब 5 पे बेचा है मैंने, 5 का मतलब अगर 100 है तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो वो आपका 160 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो एक फार्मूला दिया है, फार्मूला आप देखो और भूल जाओ, आपको फार्मूला के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना वरना आप गलत करोगे। ठीक है, फार्मूला देख लिया बस भूल गए। अब आपसे कह रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ टू कंपनीज वर इक्वल इन 2019, मतलब दोनों कंपनी की जो इनकम थी वो इक्वल थी, तो मैंने मान लिया दोनों की इनकम 100 और 100 थी, ए की इनकम भी 100 थी और बी की इनकम भी 100 थी। अब आपको बताना है कि इनका एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। ठीक है, और आपको ये ग्राफ जो दिया है द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए और बी का दिया है। ठीक है, अच्छा इनका इनकम इतना था ए और बी का 100 100, मतलब ये इनकी कमाई है, कमाई है। ठीक है, मतलब खर्चा और प्लस जो प्रॉफिट हुआ है वो है पूरा है, ये चीज समझ रहे हो ना। जैसे अगर आपकी इनकम क्या है, इनकम आपका बेसिकली एक्सपेंडिचर और प्लस कमाई, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वह है आपका इनकम। ठीक है, मतलब जितना आपने पैसा लगाया और जितना प्रॉफिट मिला उसको जोड़ दो तो वो आपका इनकम है। तो आपको पता है कि 2019 में एक जो प्रॉफिट हुआ था 30% का हुआ था, मतलब ये आपका 30% प्रॉफिट होने के बाद ये वैल्यू आपको इनकम है, तो ये मतलब 13 का मतलब है और 10 का मतलब निकालोगे तब आपका एक्सपेंडिचर आएगा। आप देखो ध्यान से, यहाँ से आपने एक्सपेंडिचर लगाया 10 का, आपको 30% का प्रॉफिट, मतलब आप 13 कमाए, तो ये आपका इनकम है।
तो ये जो 100 वैल्यू है ये आपका इनकम है, आपको 10 की वैल्यू निकालना तब आपका एक्सपेंडिचर आएगा। इसी तरह इसको प्रॉफिट हुआ है 40% का, ये आपकी 14 की वैल्यू है और आपको 10 की वैल्यू निकालना, तो ये आपका एक्सपेंडिचर आया है। अब आप इसका रेशियो निकाल दो तो आपको दिख रहा है रेशियो जो आ रहा है 14:13 आ रहा है, मतलब आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर होगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक पर्सन के पास शुरू में ₹100 जिसका एक पार्ट वह स्कीम ए में इन्वेस्ट करता है 15% सिंपल इंटरेस्ट पे, और दूसरा जो पैसा है जो बचा हुआ पैसा है उसको स्कीम बी पे इन्वेस्ट करता है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2.5 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलता है स्कीम ए और स्कीम बी में वह इतना और इतना मिलता है, मतलब ये आपको SI मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट स्कीम ए पे, और ये आपको CI मिल रहा है आपका स्कीम बी पे। तो आपको पता है कि 15% की रेट से 2.5 साल में मतलब इतना इंटरेस्ट मिला होगा, 15 × 2.5 का इंटरेस्ट मिला होगा, उसकी वैल्यू आपको इतनी दी है, मतलब 4500 जो वैल्यू दी है वो आपको 15 × 2.5 की दी है, और जब आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो आपका ये आपका आएगा कि उसने कितना पैसा स्कीम ए में इन्वेस्ट किया, ठीक है। और अगर आप दूसरा वाला देखो तो आपको दिखा 20% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब आपका पैसा एक साल में 5 से 6 हो रहा है, दूसरे साल में 5 से 6 हो रहा है, और तीसरे साल में आधे साल के लिए जा रहा है, मतलब 10% ही बढ़ेगा, तो मतलब 10 से 11 जा रहा है, मतलब आपका जो पैसा है 250 से वह आपका 36 बन जा रहा है। आपको दिख रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 146 का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये जो आपका 6424 वैल्यू है ये 146 की वैल्यू है, आपको 250 की वैल्यू निकालनी है तब जाके आपका ये स्कीम बी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वह आपका आएगा, ठीक है। आप डिवाइड कर लो एक बार, आप डिवाइड कर सकते हो 6424 को, तो आपका कितने बार चला गया, 15 × 6 = 60 होता है, तो 6 × 6 = 24, 7 + 2 4 × 6 = 16, 18 + 1 आपका 584 आ गया है, यहाँ पे आपका 8 आ चुका है, यहाँ पे आपका कितना आ चुका है 5 आ चुका है, फिर आपका 44 आ गया, और 44 × 25 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा बी की जो वैल्यू आ जाएगी 25 × 100 25 × 100 तो आपका 110, ठीक है। तो आपका इतना पैसा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25 × 100 और आपका 15 × 3 तो 4 × 3 12,000, मतलब 12,000 आपका स्कीम ए में पैसा है और 11,000 आपका स्कीम बी में पैसा, तो जो टोटल पैसा है वो आपका 23,000 है, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो काफ़ी आसान है, a² + b² + 2ab ₹35 × 2×70, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि फॉर व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज द इक्वेशन आपकी जो है पॉसिबल है। तो आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो आप वही चीज़ करो, a + b / √ab की जो वैल्यू है वो आपकी -1 से ज़्यादा या इक्वल हो सकती है, या आपका 1 से कम हो सकती है, या 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो आप पहले इन दोनों को अगर देखो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ रहा है यहाँ पे a + b + √ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को देखोगे, मतलब इस वाले हिस्से को देखोगे, तो आपका आएगा a + b - √ab इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपका √a - √b जो आ रहा है का स्क्वायर जो आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन आपको पता है ये स्क्वायर है तो ये आपका 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब 0 के इक्वल ही हो सकता है, और तब होगा जब आपका a = b होगा। तो आपका यहीं से एक केस ही पॉसिबल है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये तो काफ़ी आसान सा आ गया है, आपसे बोल रहा है कि ₹35 में इतने एनवलप मिलते हैं, तो आपका ₹1 में इतने एनवलप मिलेंगे, और आपसे पूछा है ₹10 में कितने मिलेंगे, तो आपको दिख रहा है 30 एनवलप्स आपके मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा है इन अस डिवीजन सम द डिवाइजर, देखो डिवाइजर आपका क्या होता है, डिवाइजर आपका ये होता है, इज 11 times द क्वेश्चन आपका ये होता है, एंड 5 times द रिमाइंडर आपका ये होता है, और आपको रिमाइंडर दिया है 44, तो ये आपका 44 है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आप तो फिर से पढ़ो, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 11 times द क्वेश्चन एंड 5 times द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपका जो डिवाइजर है ये 5 times द रिमाइंडर है, तो आपका 220 हो जाएगा ये, एंड 5 times द रिमाइंडर, सॉरी 11 times द, ये मतलब ये आपका ये हो जाएगा 20, तभी देखो 11 times हो रहा है, 11 times, तो मतलब आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। और आपको पता है अगर आप डिविडेंड निकालते हो कैसे निकालते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसमें आप ये ऐड कर देते हो, तो आपका यहाँ से आ रहा है 4400 और +44 कर दोगे तो आपका 4444 आ जाएगा डिविडेंड, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा है सुरेश बोरोज ₹8,000 @24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड रमेश बोरोज आपका 91,000 @20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी इयर्स विल देयर अमाउंट्स ऑफ डेब्ट बी इक्वल। तो आपका पूछ रहा है कि अमाउंट कितने साल बाद इक्वल हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, तो 80K लिख देता हूँ,
प्लस इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका दिख रहा है दो, देखो आप पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 करते हो ना, तो नीचे वाला जीरो से आप ऊपर वाले जीरो को काट दो, ये जीरो काट दो, तो आपका 800 इंटू 24 इंटू टी, मतलब टी टाइम पास इनका पैसा बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो 91191K है, 91K ही लिख देते हैं। प्लस आपको पता है ना ये दो जीरो से नीचे वाला दो जीरो चला जाएगा, तो 910 इंटू आपका आ जाएगा 20 और इंटू आपका आ जाएगा टी। अब आप देख लो तो आपका 11K आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो आ रहा है आप कर ही लो, दो जीरो आपका यहाँ पे है और 8 चौक 32, 7 लगा 3, 8 दूनी 16, आपका 19 इतना आ गया टी। और यहाँ से आपका कितना टी आ रहा है, आपका 182 टी आ रहा है। तो आपको दिख रहा है ये आपका आ गया 1000 टी इक्वल्स टू 11000, तो आपका यहाँ पे टी की जो वैल्यू आ जा रही है वो 11 साल आ जा रही है। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ वॉच डीलर सेल्स इतना पर वॉच, ठीक है, हाउ वेयर ही इज फोर्स टू गिव टू डिस्काउंट, मतलब उसको दो डिस्काउंट देने के बाद वो इतने में बेच रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है मार्केट प्राइस कितना था, मतलब ये आपका इतना इतना डिस्काउंट देने के बाद ये रुपए पड़ा है। ठीक है, तो 176064 जो है, जब हमने 20% का डिस्काउंट दिया होगा, मतलब मान लो 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब ये 8 का प्राइस है, हमें 10 का निकालना है। और हमने 30% डिस्काउंट दिया होगा, मतलब ये 7 का प्राइस है, हमें 10 का निकालना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 8 से काट दो, 8 दूना 16 दूना आपका 0 0 8, 7 से काट दो, 7 3 21, 10 7 1 7 30 4 4, तो 314400, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर आप टोटल डिस्टेंस देखो तो आपको 81 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और आपको 270 किलोमीटर दिख रहा है, मतलब 81, 12, 93 और 93 इसमें जोड़ दोगे तो आपका 363 किलोमीटर आ जाएगा। अगर टोटल टाइम की बात करूँ तो 81 किलोमीटर 27 की स्पीड से आपको 3 घंटा लगेगा, 12 किलोमीटर 6 की स्पीड से आपको 2 घंटा लगेगा और 270 किलोमीटर आपको 45 की स्पीड से आपको लगेगा, 45 दूना 90 और 3 मतलब 6 घंटा लगेगा आपको। तो आपको दिख रहा है 363/11 जो कि आपका 33 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं दो इक्वल डिस्टेंस की बात करूं तो आपका एवरेज स्पीड होता है 2S1S2/S1+S2S2। ठीक है, अगर थ्री इक्वल डिस्टेंस की बात करूं तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है 3S1S2S3/S1S2+S2S3+S1S2। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जैसे ए पॉइंट से अगर कोई S1 की स्पीड से इधर जा रहा है, बी पॉइंट से कोई S2 की स्पीड से इधर जा रहा है, वह यहाँ पे मिल रहे हैं कहीं पे, और यहाँ मिलने के बाद ये यहाँ तक यहाँ पहुँचने में आपका T1 समय ले रहा है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपका T2 समय ले रहा है, तो इस केस में आपका S1/S2=√T2/T1 हो जाता है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि किसी भी गाड़ी की, किसी भी बस की अगर स्पीड विदाउट स्टॉपेज स्पीड अगर उसकी 60 है, विद स्टॉपेज उसकी स्पीड मान लो 40 है, तो आपको बताना कि वह एक घंटे में कितने देरी के लिए रुक रहा है या कितना स्टॉपेज है उसका एक घंटे में। तो आपको देखना है गैप जो कि ये 20 का अपॉन आपको देखना है ओरिजिनल स्पीड जो कि है 60, और आपको एक घंटे इतना आपका मिनट आएगा आपको निकालना है, सॉरी इतना आपको इतने आवर के लिए रुक रही है, आपको मिनट में निकालना रहता है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे आपका मिनट आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 20 मिनट बेसिकली आ जा रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि x+y/z=4 है और आपका x=y है, आप कोई भी वैल्यू गेस कर लो ना, आप कैसे गेस करोगे, x=y तो मैंने सबको दो दो मान लिया, मतलब x और y को मैंने दो दो मान लिया, तो और नीचे y को मैंने 1 मान लिया, तो अब देखो इक्वल हो गया कि नहीं, 2+2 4/1 आपका 4 आ जा रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, बस यही वैल्यू मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, तो इसकी वैल्यू है 2 और ये 2-1 1 हो जाएगा, मतलब आपका 2 आ जाएगा, ये वैल्यू है 2, ये आपका 2-1 1 हो जाएगा, मतलब आपकी यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी, तो आपका 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इसको सिर्फ 9% लोग ही सही कर पाए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं था, काफ़ी लोग तो इसको देख के ही भाग गए होंगे, लेकिन जबकि वो कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा आप इसको पहले अटेम्प्ट में करो, आप दोबारा आके करो, आराम से करो, आपसे हो जाएगा। जैसे आपको पता है साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबकी वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ चुकी है, तो आपका एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस की वैल्यू होती है निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इस वाई की वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ओवरऑल निगेटिव आएगा, मतलब वाई की वैल्यू आपकी लेस देन जीरो आएगी। तो आपका ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, आपका ये दोनों हो गए हैं गलत।
अब आप जेड की वैल्यू देखो तो आपको एक चीज़ और पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है माइनस वन से वन के बीच में ही आती है, और जो कॉस की वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच में आती है। और आप देखोगे एक चीज़ और कि ये जो वैल्यू है आपकी जीरो से वन के बीच में आएगी, ये वैल्यू आपकी जीरो से वन के बीच में आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी जीरो और वन के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो इसकी वैल्यू जीरो के वन के बीच में आएगी, इसकी वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में आएगी क्योंकि ये आपका निगेटिव है। लेकिन इस y पूरे ओवरऑल आपकी y की वैल्यू जीरो और माइनस वन से और जीरो के बीच में आएगी। देखो x की जो वैल्यू है वह आपकी जीरो से वन के बीच में आ रही है, और जो y की वैल्यू है वह माइनस वन से जीरो के बीच में आ रही है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वह निगेटिव में आएगी, लेकिन वह जीरो से वन के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो मतलब x y की जो वैल्यू है वह आपकी जीरो से वन के बीच में आएगी लेकिन निगेटिव आएगी, और आप उसमें से वन, तो वन माइनस एक्स वाई है ना, तो सॉरी वन प्लस एक्स वाई, लेकिन आपकी जो वैल्यू आ रही है निगेटिव आ रही है और जीरो से वन के बीच में आ रही है। आप मान लो चलो 0.5 मान लो कि माइनस 0.5 आ रही है, तो आप देखो 0.5 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी हमेशा वो आपकी जीरो से वन के बीच में आएगी। जेड की वैल्यू आपकी जीरो से वन के बीच में आएगी, तो आपका जेड की जो वैल्यू आ रही है वह आपकी जीरो से वन के बीच में आ रही है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो एक्स की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में आ रही है, और y की वैल्यू आपकी माइनस 1 से 0 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो इस ओवरऑल की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी निगेटिव में, या आप कह सकते हो माइनस 1 से 0 के बीच में आएगी वैल्यू, और आप इसमें से 1 में से घटा रहे हो ना, और वैल्यू जो आपकी माइनस 1 से 0 के बीच में, मतलब आपकी वैल्यू जो आएगी 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी रहेगी 0 और 1 के बीच में रहेगी जेड की, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको याद भी कराया था, कैसे याद कराया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा टी फॉर टेन और कॉट, और इसका मतलब कॉस और सेक। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है कि एल इज द इन सेंटर ऑफ ओ एंड पी। इन सेंटर क्या होता है, मानो अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर जो सर्कल बन रहा है उसका आपका जो सेंटर होता है वो होता है इन सेंटर, या कह लो किसी भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको, वो जो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो ये आपका है ओ एन पी, और एल जो है वो आपका इन सेंटर है। आपसे कह रहा है ओ एल पी, मतलब ओ एल पी जो एंगल है और जो ओ एन पी है, मतलब ये और ये, इसका जो सम है 195 है। तो आपको पता है कि अगर ये थीटा होगा तो ये आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, और इन दोनों का सम कितना हो गया 90 प्लस 3 थीटा बाई 2, और इसकी जो वैल्यू दी है आपको 195 दी है। तो आपको दिख रहा है 3 थीटा बाई 2 की जो वैल्यू दी है वह आपको दी है 105। ठीक है, तो आपके थीटा की जो वैल्यू आ जा रही है वो 70 आ जा रही है। ठीक है, सॉरी, और आपसे पूछा गया, आपसे ओ एल पी पूछा है। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू आई तो 90 प्लस 35 कर दोगे, क्योंकि थीटा बाई 2 आपका 35 हो जा रहा है, तो आपका 125 डिग्री आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहीं से हम कुछ चीज़ें और रिकॉल कर सकते हैं, जो इन रेडियस होता है और जो आपका सर्कम रेडियस होता है, मैं आपको सिंबल से ही दिखा रहा हूँ। इन रेडियस मतलब आपका स्मॉल आर और ये आपका कैपिटल आर। तो यूनिवर्सल जो फॉर्मूला होता है आपका एरिया अपॉन एस होता है, इसका आपका ए बी सी अपॉन फोर एरिया होता है। ये आपका इन रेडियस है, आपका सर्कम रेडियस है। लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए जो आपका इन रेडियस होता है वो ए बाई टू रूट थ्री होता है, और जो आपका सर्कम रेडियस होता है वो ए बाई रूट थ्री होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो आपका कैपिटल आर होता है वो हाइपोटेन्यूस बाई टू होता है, और जो आपका स्मॉल आर होता है इन रेडियस आपका पी प्लस बी माइनस एच बाई टू होता है। तो मुझे उम्मीद आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। आज और नेक्स्ट पे आपसे कह रहा है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन काफ़ी आए थे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि अगर वन 74 मार्क्स लाता है, ठीक है, तो उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किस में दिया है बाकी के कंपैरिजन में। तो देखो अगर सारे बच्चे 80 नंबर ला रहे हैं एवरेज स्कोर, तो भाई 74 तो कहीं से अच्छा नहीं हुआ, तो बेकार हुआ ना। ठीक है, लेकिन हो सकता है कंपैरिजन में हो सकता है अच्छा। देखो जहाँ पे सारे बच्चे 80 ला रहे हैं, मतलब एवरेज मार्क, मतलब सारे बच्चे लगभग 80 ला रहे हैं, तो वहाँ पे इसका नंबर 74 है। जहाँ पे सारे बच्चे 70 ला रहे हैं उसका नंबर 74 है। जहाँ पे सारे बच्चे 60 ला रहे हैं इसका नंबर 74 है। जहाँ पे सारे बच्चे 60 ला रहे हैं इसका नंबर 74 है। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि यार सर इन दोनों में तो लग रहा है, क्योंकि सारे बच्चे 60 ला रहे हैं 74 ला रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चे 60 ला रहे हैं 74 ला रहे हैं, मतलब ये काफ़ी अच्छा स्कोर किया है बाकियों के कंपैरिजन में। लेकिन आपको ये एवरेज है, अब आप देखोगे रेंज, तो यहाँ पे लोवेस्ट नंबर 30 है, हाईएस्ट नंबर 90 है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट नंबर जो लाया है बच्चा वह 90 लाया है, और यहाँ पे लोवेस्ट नंबर 45 है, और हाईएस्ट नंबर जो बच्चा लाया वो 75 लाया है। मतलब जो हाईएस्ट स्कोर है वह 75 है, और वहाँ पे ये 74 लाया, मतलब इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे।
और यहाँ पे भाई चलो 74 लाए हो तुम, कंपैरिजन में तो काफी सारे बच्चों के एवरेज में काफी अच्छा नंबर लाए हो, लेकिन हाईएस्ट आपका 90 है भाई, और भी बच्चे होंगे काफी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारी जो दूरी है काफी दूरी हो गई है, तो आप इस वाले जो सेकंड टेस्ट है इसमें आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका ये टेस्ट 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने इसको वैल्यू बेस कर लिया था, ठीक है, बाकी आप सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लो तो आपका 20x प्लस 15y इक्वल्स टू 28x माइनस वाई, तो आपका यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही हो 3x आ रही है, और यहाँ से आपका 16y आ रहा है, क्या सॉरी 8x आ रहा है, और यहाँ से आपका 16y आ रहा है, मतलब x की जो वैल्यू आ जा रही है, x बाई वाई की जो वैल्यू आ रही है वो सिंपली आपकी 2:1 आ रही है। तो आप यहाँ पे डाल दो 2, तो आपका 2 × 4 = 12 प्लस 4 = 16 आ रहा है, और 16 को आप इसी में काट सकते हो, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है भावना की जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम, देखो आप देखो ना 25 किलोमीटर 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम करते हो, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हुई वो इतनी हो गई है, और जो अप स्ट्रीम स्पीड है, क्योंकि 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे वो 10 घंटे लेते हैं, तो जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो बेसिकली 25/10 है, ये आपकी अप स्ट्रीम स्पीड है। आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देखो आपको अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हो, अप स्ट्रीम स्पीड दिया हो, अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो आपका ये स्पीड ऑफ बोट आता है, और अगर आप इसके गैप का मिड पॉइंट निकालते हो तो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इन दोनों का गैप देखो कितने का है, तो आप इसको 10 कर लो, इसको 10 कर लो, इसको 4 कर लो, इसको 4 कर लो, ये आपका 250 और आपका ये 100, तो आपका 150/40 ये हो गया गैप, इसका मिड पॉइंट निकालना, मतलब इसका हाफ कर दो, तो आपका ये हो गया है पूरा 4 × 8 = 0 गया, और आपका यहाँ से 8 × 51 = 8, आपका कितना बचा 7 = 70, तो 8 × 8 = 64, आपका 60 बचा 70 और 25, तो 1.875 आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द ऑन द सेम साइड ऑफ अ सेंटर, ठीक है देख लेते हैं, तो ये आपका एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये सेम साइड पे, तो आपको दिख रहा है ये आपका अगर 12 है तो ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका अगर 20 है तो आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे कितना, आपको दिया है 13 5√13, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ये निकाल लो पहले, फिर आप ये निकाल लो, कैसे निकालोगे एक सेकंड रुक जाओ पानी पी लो, ठीक है। तो 25 × 13 इसका स्क्वायर करोगे तो 25 × 13 आ जाएगा 250 75 325 होता है, 325 में से 100 घटाओगे तो आपका 225, मतलब ये आपका 15 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप 325 में से जब 36 घटाओगे, आप इसको देखो ना, ये आपका 325 है, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ये 36 है, माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जा रहा है कितना 4 70 आ जा रहा है, तो ये 70 है, तो आपका ये जो दूरी है आपका 2 आ जा रहा है, तो आपका 2 सेंटीमीटर दूरी आ जाएगा। नेक्स्ट तो नहीं है, मतलब आपका यहीं पे है, तो बता देना आपको क्लास कैसी लगी, और वही चीज़ आप इसको इम्प्रूव करो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखते हैं।